हेलो फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। ऑलरेडी मैंने कोविड टेस्ट का सैंपल दे दिया है और बेबी को भी रेडी करा रही हूँ। अभी तक भी खा रहा है वो। ये और भी एक्टिव है आज, ये दूध पी रहा है, दूध के साथ उसका चोको फिलिंग एंड बनाना चोको चिप्स खा रहा है। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वो जल्दी उठ गया था खुद, क्योंकि मैंने पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि नहीं, आपको जल्दी उठना है। और होपफुली अभी देख छोड़ के आएगा और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। ये भी आ गया तो अभी निकलेंगे, वैसे प्रे करके निकलेंगे। मैं सोच रही थी नहा के जाऊँ, महादेव ने मना किया है, नहा के जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आके दोबारा नहाना पड़ेगा, तो इसीलिए। तो हॉस्पिटल में जाके और बाकी का जो अपडेट है मैं आपको बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हेलो फैमिली, अभी आर्या को छोड़ने के लिए जा रहा है, हम लोग दोनों ही जा रहे हैं छोड़ने के लिए। तो भैया लोग वहाँ पे आधे रास्ते हम लोग छोड़ देंगे, वहाँ से उन लोग आके पिकअप कर लेंगे उसको। सो आर्या, विल यू बी गुड बॉय? यस यस सर, आई विल बी गुड बॉय। यस, और भी एक्साइटेड है तो इसके लिए मेरा हाफ ऑफ द टेंशन चला गया इसको किसी के एकदम रिलायबल फैमिली के ऊपर छोड़ के। सनी डे है आज, बहुत अच्छा। कल से बहुत ज्यादा ग्लूमी डे हो रखा था मगर आज ये सनी मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब दे रहा है, स्ट्रेंथ मिल रहा है मुझे इस रोशनी से और मुझे काफी अच्छा लग रहा है बॉडी से भी। इवन दो बॉडी थोड़ा सा वीक लग रहा है, पता नहीं आज थोड़ा सा और भी ज्यादा वीक लग रहा है, मगर फिर भी ये सन, ये जो आज का वेदर है वो मेरा बहुत एकदम मूड भी पॉजिटिव कर रहा है। सो प्रेज द लॉर्ड। और स्पेशली वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ऊटी में आ चुकी हूँ मैं और यहाँ पे मुझे प्रिपेयर किया जाएगा। ये पूरा से यहाँ पे पूरा अंदर का मॉल है, यहाँ पे हमें प्रिपेयर किया जाता है। जैसे अभी थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन ले रहे थे, थोड़ा सा मेरा जो फाइल है वो सब चेक करके अभी मुझे प्रोसीजर में घुसाएंगे। तो यस, फॉर द बेस्ट। देव को इतना ज़्यादा वीक फील कर रहा था, वो जाके भागा घर पे, मगर मैं मुझे यह भी छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू, जब ये सर ये क्या बोलते प्रोसीजर शुरू होगा तो वो आ जाएंगे। तो भैया बाकी का अपडेट मैं कर रही हूँ। इतना ज़्यादा डर तो नहीं लग रहा मगर होता है ना कि एक थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सो अभी चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग के लिए ये कपड़ा दिया गया है, ये ऊपर का है और ये नीचे का है, सब कुछ खोल के ये लगाने के लिए बोला है, तो चेंज कर लेती हूँ। By God's grace, just now I came out from the operation center and the operation was successful, the procedure was successful. I did less bleeding and it was good. You see on your right? This. Hi mama, I'm having lunch with my hand. Oh, the best.
अभी फिलहाल ये प्रेशर चेक हो जाएगा, तो कोकोनट वाटर मैं पीऊँगी और भी सीप सीप लेके पीऊँगी। काफ़ी प्यास भी लग रहा है वैसे भी। ये वाले हॉस्पिटल में इतना टेंशन नहीं है मुझे, सब लोग इतना वार्म वेलकम करते हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर ही थे, काफ़ी अच्छा बेटर फील हो रहा है। कपड़े पहन लिया है, जो कपड़े डाल के ऑपरेट किया गया था उसको निकाल दिया है। अभी थोड़ी देर बाद देव भी आ जाएगा, उसने नारियल पानी लेने के लिए गया मेरे लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है पहले सीप टू सीप आप पहले लिक्विड लो, उसके बाद आप सॉलिड में जम कर सकते हो, मगर अचानक से सॉलिड नहीं खाना है अभी, तो इसीलिए भूख तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इवन दो मैं सुबह से कुछ खाई हुई नहीं हूँ, मगर हाँ प्यास लग रहा है और बहुत सारा जूस पीने को मन कर रहा है मेरा। टाइटनेस तो इतना दिख नहीं रहा है, मगर हाँ गले के जो होता है ना, गला बैठ गया है ऐसा लगता है, तो बहुत बॉडी एग्जॉस्टेड लग रहा है मेरा गले की वजह से। मगर हाँ मैंने चेंज कर लिया, बहुत धीरे धीरे ही चेंज कर रही हूँ, अब बस सॉक्स पहनना बाकी है, और सॉक्स पहनने के बाद वेट कर रही हूँ देव का। आ सकती है पर इट्स ओके। Finally, I'm home. Yeah, thank you so much for your prayer. Praise the Lord.